यदि किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया हुआ है तो अब उसका कितना टैक्स बचेगा, ये निर्भर करेगा कि उसे इनकम टैक्स के नए रूल के बारे में कितनी जानकारी है और क्या वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को समय से फाइल कर रहा है या नहीं। यदि आपको इनकम टैक्स के नए रूल के बारे में पता नहीं है या पता होते हुए भी आप समय से इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नए इनकम टैक्स के रूल क्या हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना जितना ज़्यादा मुश्किल है, पैसे को बचाना भी उतना ही मुश्किल है। तो इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी टिप्स जिससे कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। अब टैक्स पेयर को नई टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, लेकिन जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उसके जो रूल हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में वो बदल गई हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई की हुई है तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी, यदि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी, या फिर यदि आपने एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है और दूसरी को लेट आउट किया हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी। सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर्टी को टैक्स पेयर ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो सेम है, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी है दोनों ही स्कीम में अलग है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई टैक्स नहीं बन रहा, जबकि नई टैक्स रिजीम में उसका टैक्स बन रहा है। चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर की ग्रोथ सैलरी 7 लाख रुपीज़ है, इसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है और प्रोफेशनल टैक्स अलाउड रहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो लेस कर दिया है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई की हुई है तो उसने 2,15,000 का इंटरेस्ट पेएबल है उसका, लेकिन इसमें से मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपीज़ की ही मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत। और उसके अलावा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर में तो उसके लिए 15,000 का हमने यहाँ पे इनकम लिया है। उसे यहाँ पे FD से इंटरेस्ट इनकम हुई है और सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम हुई है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। यहाँ पे TC का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि LIC PPF और जो प्रिंसिपल अमाउंट है होम लोन का अप टू मैक्सिमम 1,50,000 जो उसने पे किया है एक्चुअल अमाउंट, और 8,000 का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है क्योंकि मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन मिलती है, यहाँ पे 8,000 का ही सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो 8,000 की हमने डिडक्शन ले ली है तो ये लेस करके उसकी नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको इस इनकम को बाइफ्रिकेट करना है नॉर्मल इनकम में और स्पेशल इनकम में। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे इस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और अदर इनकम पे नॉर्मल रेट से, तो हमने यहाँ पे ये बाइफ्रिकेट कर लिया है इनकम को। और उसके बाद हम जो नॉर्मल इनकम है उस पर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे तो 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर की इनकम पे 5% टैक्स है तो हमने ये नॉर्मल इनकम में से 2,50,000 लेस कर दिया है तो बैलेंस पे 5% हमने टैक्स लगाया है यहाँ पे। इसके अलावा जो स्पेशल रेट की इनकम है यानी कि जो ऊपर हमने 15,000 यहाँ पे लिया था ये अमाउंट, इसके ऊपर 15% टैक्स स्पेशल रेट की इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस प्रकार टोटल टैक्स 7,430 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम बन रही है नेट इनकम तो इसलिए उसे रिबेट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 12,500 रुपये तक की मैक्सिमम मिलती है या फिर एक्चुअल अमाउंट टैक्स का विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे पूरी टैक्स रिबेट मिल गई है और यहाँ पे कोई टैक्स पेबल नहीं आया है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो अब हम नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी इनकम में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नई टैक्स रिजीम में भी और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जो आपने होम लोन लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत, यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे वो हमने यहाँ पे ले लिया है, FD से इंटरेस्ट इनकम और सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम सेम हमने ले ली है तो यहाँ पे इनकम आ गई है, उसमें से आपको कोई डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी जैसे कि LIC PPF या प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने होम लोन का पे किया है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो यह 0 है तो उसके बाद नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब इस इनकम को आपको बाइफरकेट करना है नॉर्मल इनकम में स्पेशल रेट इनकम में। तो ये जो स्पेशल रेट है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको 15,000 का स्पेशल इनकम है जिस पे कि स्पेशल रेट लगेगा नई टैक्स रिजीम में भी, और बैलेंस इनकम आपकी नॉर्मल इनकम आ गई है।
अब इस बैलेंस इनकम के ऊपर नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। 3 लाख रुपीज़ तक नील टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है जो हमने यहाँ पे ले लिया है, और उससे ऊपर की इनकम पे 10% टैक्स अप टू 9 लाख रुपीज़। तो हमने यहाँ 7,14,000 में से 6 लाख रुपीज़ लेस करके 10% टैक्स लगाया है, तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स आ गया है। अब जो स्पेशल रेट की इनकम है यानी कि 15,000 रुपीज़ जो हमने यहाँ पे ली थी उसके ऊपर 15% टैक्स, और इस प्रकार यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ना तो आपको रिबेट मिलेगी ना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नई टैक्स रेजिम में, क्योंकि आपकी इनकम देखिए 7 लाख से एक्सीड हो गई है, तो आपको रिबेट नहीं मिलता और मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से 29,000 एक्सीड हो रही है, 29,000 है, और आपका टैक्स जो है 29,000 से कम ही है, इसलिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा मार्जिन रिलीफ। तो टैक्स आ जाएगा प्लस एजुकेशन सेस 4%, तो इस प्रकार टोटल टैक्स आपका नई टैक्स रेजिम में बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में इनकम हमारी सेम है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन मिल जाती है, जैसे कि आपने हाउस सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके लिए जो होम लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक मिलती है, जबकि नई टैक्स रेजिम में नहीं मिलती है। इसके अलावा होम लोन की रीपेमेंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है, अदर डिडक्शंस जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स और ATTTS बैंक इंटरेस्ट की मिल जाती है, जबकि नई टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है पुरानी स्कीम के अंतर्गत 0 आती है और नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपका हाई टैक्स बन रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप नई टैक्स रेजिम को भी ऑप्ट कर सकते हैं पुरानी रेजिम को भी, लेकिन इसके लिए ड्यू डेट दी गई है जिस डेट तक के आपको पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना अलाउड है, उसके बाद आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने राइट हैंड साइड में लिंक देख सकते हैं वीडियो का, जिसमें के बताया गया है कि पुरानी टैक्स रेजिम को आप किस डेट तक ऑप्ट कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है जिससे कि रेंटल इनकम भी आती है, लेकिन जिसके लिए कि आपने होम लोन भी लिया हुआ है जिसके ऊपर के आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी 10 लाख से ज़्यादा इनकम बन रही है न्यू रेजिम में भी, लेकिन ओल्ड रेजिम में आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है जबकि नई रेजिम में टैक्स बन रहा है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम में देख लेते हैं, 7 लाख की इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन में लेस कर दी, प्रोफेशनल टैक्स लेस कर दिया है। इसके अलावा हमारी रेंटल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, इस पर हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया वो लेस हो जाएगा, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको मिलती है तो वो लेस हो जाएगी। उसके बाद जो आपने होम लोन लिया हुआ है रेंटल प्रॉपर्टी के लिए उसकी डिडक्शन जो यहाँ पे लेस हो जाएगी इंटरेस्ट की, तो 3 लाख रुपया आपने पेपल है यहाँ पे तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे लेस हो जाएगी होम लोन का, तो यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से जो कि लॉस है, तो इस लॉस को आप सेटअप कर सकते हैं दूसरी इनकम से। इसके अलावा हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर से 15,000 का, और हमारी FD और सेम बैंक इंटरेस्ट इनकम है जो सेम है। इसके अलावा LIC ATTTA की डिडक्शन है जो कि हमें मिलेगी पुरानी स्कीम में, तो इस प्रकार हमारी नेट इनकम आ जाएगी। अब इसमें से आप जो है नॉर्मल इनकम निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का ये आप सेटअप कर सकते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे लॉस हुआ है 133,610 का, तो सबसे पहले हम इसे स्पेशल रेट की इनकम से सेटअप कर देंगे, क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम पे 15% टैक्स लगता है, तो हमारा टैक्स जो ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने जो 133,610 है इसे सबसे पहले हमने सैलरी इनकम ले ली है यहाँ पे, जो हमारी ऊपर आई थी 6,47,000 की है, और उसके बाद फिर हमने अपनी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम ले ली 15,000 और FD की इंटरेस्ट इनकम ले ली 64,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 64,000, इसमें सबसे पहले हमने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेटअप कर दिया, बैलेंस हमने अब सैलरी इनकम से सेटअप कर दिया है, तो इस प्रकार 133,610 का जो लॉस है सेटअप हो गया, तो बैलेंस इनकम हमारी बची नॉर्मल इनकम, अब हमारी स्पेशल रेट की इनकम नहीं बची है। तो अब इस नॉर्मल इनकम में से हम लोग डिडक्शन दे देंगे ATC और ATTTA की, तो हमारी जो है नेट इनकम बची नॉर्मल इनकम। इस प्रकार अब हम इसके ऊपर अब टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है 2,50,000 से इनकम एक्सीड हो जाती है 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, तो हमने यहाँ पे 5% टैक्स लगाया है, तो हमारी ये टैक्स आ गया है। स्पेशल नेट इनकम नहीं बची है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है यहाँ पे नॉर्मल इनकम, तो इसलिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 5 लाख से कम इनकम हो तो आपको 12,500 की रिबेट मिलती है या टैक्स अमाउंट विच एवरी लेस, तो हमें यहाँ पे रिबेट मिल गई है और हमारा टैक्स जो है 0 आ गया है।
अब हम देख लेते हैं नई टैक्स रेजीम में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी हमने ले ली है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी, प्रोफेशनल टैक्स आपको नहीं मिलता है, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी न्यू टैक्स रेजीम में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नई टैक्स रेजीम ये कहती है कि यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ जाता है, भले ही वो रेंटेड प्रॉपर्टी की वजह से आया हो, यानी कि हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट लेस किया है होम लोन जो हमने लिया हुआ था रेंटल प्रॉपर्टी पे, उसकी वजह से हमारा लॉस आ गया है, तो ये लॉस आपको किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार अब नई टैक्स रेजीम में आपको यहाँ पे जीरो लेना होगा जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, और उसके बाद ये जो कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म का वो हमने ले लिया 15,000। इसके अलावा हमारी एफ डी से इंटरेस्ट इनकम, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है वो हमने ले ली है। तो न्यू टैक्स रेजीम में आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है टीसी या टीटीए की। तो इस प्रकार आपकी जो नेट इनकम है 7,29,000 आ गई है। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल इनकम आपकी 7,14,000 है और स्पेशल रेट की इनकम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर पे, तो 7,14,000 की इनकम पे जो टैक्स है यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज नील एंड 3 लाख टू 6 लाख रुपीज 5% एंड 6 लाख से ऊपर की इनकम अप टू 9 लाख रुपीज यहाँ पे 10% हमने टैक्स लगाया है। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल रेट की इनकम है यानी कि 15,000 का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर 15% टैक्स, तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको 4% एजुकेशन सेस पे करना होगा। इस प्रकार नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेकेंड केस को समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपकी इनकम सेम है, 10 लाख से एक्सीड हो रही है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन मिल गई है यहाँ पे जो आपने होम लोन लिया हुआ था रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन नई टैक्स रेजिम में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी रेंटल इनकम में से आप ये जो डिडक्शन है लेस कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, और उसके बाद यदि आपका लॉस आता है हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस केस में आप उसे दूसरी हेड की इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे लॉस आया था यानी कि ये 2,40,000 रुपीज़ की हमारी रेंटल इनकम थी, इसमें से हमने जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन और 3 लाख का जो होम लोन का इंटरेस्ट इनकम लेस करने के बाद, ये आपको लॉस नहीं मिलेगा। तो ये आपकी जो नेट इनकम आई थी लॉस को लेस करने के बाद उसमें लॉस ऐड बैक कर देंगे, तो ये इनकम आपकी बन जाएगी जिसके ऊपर के नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो लॉस आपका आया है ये आपको करंट ईयर में तो सेट ऑफ करना अलाउ नहीं किया गया दूसरी हेड की इनकम से, क्या आप इसे कैरी फोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 8 साल तक कैरी फोर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कई कंपनी के सॉफ्टवेयर देखते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की यूटिलिटी देखते हैं, तो हो सकता है कि उसमें ये लॉस आपको कैरी फोर्ड करना अलाउ ना किया जाए। तो इस केस में आपको फाइट करना है कि ये लॉस जो है वो आपको कैरी फोर्ड करना अलाउ किया जाए ताकि आप फ्यूचर में अगले 8 सालों तक इसे सेट ऑफ कर सकें। अब हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कि आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई भी किया है, रेंट पे भी दिया है। मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दिया है, या एक प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की हुई है दूसरी अपने रेंट पे दी हुई है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में इनकम 10 लाख से एक्सीड हो रही है। ओल्ड टैक्स रेजीम में तो 0 टैक्स बन रहा है जबकि नई टैक्स रेजीम में बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजीम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, प्रोफेशनल टैक्स की हमें डिडक्शन मिल गई है। हमारे यहाँ पे हाउस वन है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसपे के होम लोन लिया हुआ है, जिसपे के इंटरेस्ट पेबल है 2 लाख रुपीज़ का, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी अप टू 2 लाख रुपीज़। इसके अलावा हाउस टू से आपको रेंटल इनकम हो रही है, इसमें से म्यूनसिपल टैक्स हमने लेस कर दिए हैं, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है। इसके अलावा इस हाउस पे भी लोन लिया हुआ है जिसपे के इंटरेस्ट पेबल 50,000 का है, तो हमने लेस कर दिया है। तो नेट इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी टू से आ गई है और लॉस हाउस वन से आ रहा है। तो अब आप इन दोनों को जो है नेट कर देंगे, यानी कि जो 2 लाख रुपीज़ का लॉस है और ये जो नीचे 1,16,390 की इनकम आई है, तो नेट आपका लॉस आ गया है हाउस प्रॉपर्टी से, जिससे कि आप दूसरी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म गेन है शेयर से, इसके अलावा हम एफडी और सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो ये हम ऐड कर लेंगे, और इसमें से एटीसी की डिडक्शन और एटीटीटीए की डिडक्शन लेस कर देंगे तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी। अब इस नेट इनकम में से हम लोग लॉस सेट ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले हम जो 15,000 का ये जो इनकम है इसे सेट ऑफ कर देंगे।
जो हमारा लॉस आया है हाउस प्रॉपर्टी का इसमें से, ताकि हमें इस पे को ऊपर ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो यहाँ पे अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से हमने सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर दिया, बैलेंस लॉस हमने सैलरी इनकम से सेटअप कर दिया है। तो इस प्रकार हमारी नेट इनकम आ गई है और हमारी जो स्पेशल इनकम है वो जीरो हो गई है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर डिडक्शन दे दी है ATC और ATTA की, तो नेट इनकम आ गई है। हमारी स्पेशल रेट की कोई इनकम नहीं है, ये नॉर्मल इनकम है जिस पे कि नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्लैब रेट है, तो 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, तो हमने 5% यहाँ पे टैक्स जो है लगा दिया है। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, इसलिए जीरो टैक्स है। अब आपको रिबेट मिल जाएगी क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे रिबेट मिल गई है जो है अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर लेस। तो यहाँ पे हमारे रिबेट मिलने के बाद जो है हमारा टैक्स ड्यू जीरो हो गया है ओल्ड रेजिम में। अब हम नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 7 लाख में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी वन है उसमें से आपको लॉस आ रहा है, तो नई टैक्स रिजीम में लॉस आपको अलाउड नहीं है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी टू से आपको इनकम है, तो इनकम आप ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नेट जो लॉस है वो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा नई टैक्स रिजीम में। तो आपको यहाँ पे हाउस नंबर टू की जो इनकम है वो लेनी है, लेकिन हाउस नंबर वन जो सेल्फ ऑक्यूपाई किया है उसका लॉस आपको नहीं लेना है। तो इस प्रकार ये इनकम यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है और FD एंड सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम जो आप ले लेंगे, और ये डिडक्शन तो नई टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपकी नेट टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस 8,45,390 रुपीज़ के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो स्पेशल रेट की इनकम अलग है और नॉर्मल रेट इनकम आपकी अलग है। तो 15,000 की स्पेशल रेट इनकम है जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले शेयर पे, बैलेंस इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम पे आपको नई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना है न्यू टैक्स रिजीम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम है, 3 लाख रुपीज़ तक नील टैक्स, 3 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक 5%, 6 लाख से ऊपर की इनकम अप टू 9 लाख जो है 10% टैक्स। तो हमारी जो नॉर्मल इनकम यहाँ पे बन गई थी 8,30,000 थी, तो इस स्लैब रेट में फॉल कर रही है 6 लाख से 9 लाख रुपीज़ तक, तो हमने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है 10%। तो ये हमारा टैक्स नॉर्मल रेट की इनकम पे आ गया है। अब स्पेशल रेट की इनकम जो 15,000 की हुई थी उसके ऊपर 15% टैक्स। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल टैक्स आपका आ जाएगा, नॉर्मल इनकम का टैक्स प्लस स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स, इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस देना होगा और टोटल टैक्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई टैक्स रिबेट या मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपकी इनकम है वो 7 लाख से एक्सीड हो गई है न्यू टैक्स रिजीम में। तो इस प्रकार नई टैक्स रिजीम में आपका बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ, यदि आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई भी की है, रेंट पे भी दी हुई है, तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं, तो उस केस में इनकम सेम है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ने जो सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी पे होम लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, जबकि नई रजीम में नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नई टैक्स रजीम में यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो जो पॉजिटिव इनकम हो रही है यानी कि जो रेंटल इनकम है उसमें से यदि आप ये डिडक्शन लेस कर देते हैं, लेस करने के बाद पॉजिटिव इनकम आ रही है, तो आपको लेनी है नई टैक्स रजीम में, और उसके बाद ही नई टैक्स रजीम में टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपके जीरो टैक्स बन रहा है यहाँ पे, और नई टैक्स रजीम में बहुत ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल समराइज कर देता हूँ कि यदि आपने प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया हुआ है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी या नहीं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है या वो वेकेंट है क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में कहीं और रह रहे हैं, तो उस केस में 2 लाख रुपये तक आपको लॉस अलाउड है ओल्ड टैक्स रिजीम में। यदि उससे ऊपर का लॉस होता है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में भी, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको लॉस मिलता ही नहीं है। और यदि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपये तक का लॉस जो है वो एडजस्टमेंट करना अलाउड है, और उसके ऊपर का यदि आपका लॉस होता है तो उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। जबकि नई टैक्स रिजीम में देखा जाएगा कि यदि आपकी पॉजिटिव इनकम आ रही है ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एडजस्ट करने के बाद, तो उस केस में आपको ये होम लोन का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा और बैलेंस पॉजिटिव इनकम टैक्सेबल हो जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन यदि आपका लॉस आएगा ये होम लोन का इंटरेस्ट लेस करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी से, तो उस केस में इसका सेटअप अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी और हेड ऑफ इनकम से, लेकिन इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करें ताकि आप नेक्स्ट 8 ईयर के लिए इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ नई टैक्स रिजीम में।
यदि किसी व्यक्ति को पिछले सालों में हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, क्या उसे करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकता है ओल्ड रेजिम में या फिर न्यू टैक्स रेजिम में? जी हाँ, वो ऐसा कर पाएगा। यदि आपकी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी से ब्राउट फोर लॉस है, तो भले ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम लें या फिर न्यू टैक्स रेजिम लें, आप लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे यदि आपने पिछले सालों में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक या उससे पहले फाइल की है। जैसे कि मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में रिटर्न फाइल की थी ड्यू डेट से तक के उससे पहले और आपको लॉस हुआ था 30,000 का, तो वो कैरी फॉरवर्ड आपने कर दिया था। अब असेसमेंट ईयर 24-25 में आपकी इनकम आ रही है 1,30,000 हाउस प्रॉपर्टी से, तो ये जो लॉस है 30,000 का, ये आप सेट ऑफ कर लेंगे इससे, और जो नेट इनकम होगी 1,00,000 की हाउस प्रॉपर्टी से, उसके ऊपर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके अदर सोर्सेज के इनकम के साथ साथ, यानी कि मान लीजिए सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और उसके साथ साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है, तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा ड्यू डेट से पहले, उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आप वीडियो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं कार्ड में, तो आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने के लिए ड्यू डेट क्या है और क्या आप हर साल स्विच कर सकते हैं ओल्ड रेजिम से नई रेजिम में, तो इसके लिए क्या रूल है। क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो आपके लिए एक टिप भी है कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उसे 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई भी करना होता है। यदि आप 30 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं, तो ये माना जाता है कि जिस दिन आपने वेरीफाई की है, उस दिन ही आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है। तो यदि आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, या फिर यदि आप ड्यू डेट तक तो फाइल कर देते हैं लेकिन उसके 30 दिन के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उस केस में माना जाएगा कि जिस दिन आपने वेरीफाई की है, उस दिन आपने रिटर्न फाइल की है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कर दी जाएंगी। भले ही आपने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की है, ओल्ड टैक्स रिजीम आपने ऑप्ट किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने जो रिटर्न है वो नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल की है, और उस केस में हाई टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोविजन भी अप्लाई हो सकती है। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को बनाते हुए बहुत सी गलतियां भी की है, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, ज़्यादा लेट फीस देनी पड़ सकती है, तो इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सी वीडियोस आप सब लोगों के लिए बनाई गई हैं, यदि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि सरकार ने कौन सी गलतियाँ की हैं, आपको कैसे बचना है ताकि आपको ज़्यादा टैक्स या लेट फीस पे ना करनी पड़े। तो आप इन सब वीडियोज़ को चेक कीजिए, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी टाइमली पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।